फ्रेंड्स, आज ये जो रियलमी के फ़ोन के अंदर कुछ प्रॉब्लम आता है उसको लेकर डिस्कस करेंगे। इस फ़ोन के अंदर जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है, सामने देख सकते हो ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पर ये जो लाइट है, इस लाइट किस लिए ब्लिंक कर रहा है या क्या प्रॉब्लम है फ़ोन के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख रहे हो रियलिटी टेक पर आप सभी को स्वागत है। यहाँ पर मैंने पहले एक स्क्रीनशॉट देखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो मैंने फ्लोटिंग विंडो के अंदर पेटीएम ओपन करके रखा है। तो इसको ओपन करने के बाद ही मेरा जो रियलमी का फ़ोन है, ये फ़ोन ग्लिच हो गया। पूरा जो ऐप है उस ऐप का सिरा यानी ऊपर भाग कट गया, यहाँ पर देख सकते हो। और ये रियलमी 9 प्रो है। इस फ़ोन के अंदर बहुत ही अच्छा सा प्रोसेसर दिया गया है, पावरफुल फ़ोन है और इसका प्राइस 18,000 से ऊपर है। ये फ़ोन के अंदर ये प्रॉब्लम आया है। ये प्रॉब्लम होने का कारण क्या है आपको बताऊंगी। इस फ़ोन के अंदर स्नैपड्रैगन का 695 5G पावरफुल प्रोसेसर यूज़ किया गया है। इस फ़ोन के अंदर 6GB रैम और 128GB स्टोरेज भी है। तो ये फ़ोन के अंदर ऐसी प्रॉब्लम होने का रीज़न आपको बताऊंगी। यहाँ पर देख सकते हो इसका डिस्प्ले नीचे से थोड़ा सा कटा हुआ है, पूरा स्क्रीन आ नहीं रहा है। यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम हुआ है, इस प्रॉब्लम का कारण बताऊंगी आपको। देख सकते हो इसका जो सेंसर, कोई कॉल मैंने नहीं किया, इसका जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो ब्लिंक कर रहा है, वो कॉल के टाइम ही काम करता है या और कोई भी। यहाँ पर इसका पावर बटन प्रेस करने के बाद भी लाइट ब्लिंक नहीं होता है, कभी कभी अचानक से ऑन हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम आने का जो बहुत बड़ा रीज़न है, इसके अंदर एक अपडेट आया है। तो उसको मैंने अपडेट नहीं किया हो, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम हो सकता है, कभी कभी ग्लिच हो जाता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये आप देख लेते हैं। तो ये फ़ोन, इसका जो सिम है, सिम को भी मैंने खोल लिया, फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम मैंने पहले सॉल्व नहीं कर पाया। वहाँ पर देख सकते हो ये जो फ़ोन है, इस फ़ोन के अंदर कोई भी ठीक ठाक से काम नहीं कर रहा है। जब प्रेस कर रहा हो तो तब भी ऑन नहीं हो रहा है, कभी कभी अचानक से ऑन हो जाता है। और इसके अंदर जो मैसेज या कोई भी नोटिफिकेशन आता है, तो इसका नोटिफिकेशन साउंड आपको सुनाई देगा, बट फ़ोन के अंदर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिखता है। यहाँ पर आपको दिखाऊंगी। और ये जो फ़ोन है, ये फ़ोन के अंदर क्या प्रॉब्लम हुआ है मेरे को भी इससे मालूम नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर जब भी स्क्रीन ऑन होता है उसका हाफ ही दिखता है, वो जो नीचे वाला पार्ट है वो गायब हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हो कभी कभी स्क्रीन ब्लैक हो जाता है, सिर्फ नोटिफिकेशन जो बार है उसी को दिखाई देता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ट्राई किया, बट सॉल्व नहीं हो रहा है। अब देख सकते हो ये जो फ़ोन है, इस फ़ोन को मैंने बहुत देर से ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑन नहीं हो रहा है। ये एक ही प्रॉब्लम है, इस सेट के अंदर शायद ग्लिच हुआ है, तो इसी के कारण ये प्रॉब्लम आया है। ये थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा। इसके अंदर देख सकते हो, आपको ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये जो फ़ोन है, इस फ़ोन को एक बार चार्ज पे लगा के दिखाऊंगी आपको, आपको साउंड सुनाई देगा। पहले चार्जर को ले लेता हूँ। यहाँ पर चार्जर ले लिया, उसके बाद इसको लगाएंगे। लगाने के बाद इसका जो
साउंड है उसको सुनाई देगा, तो सुन लो पहले। यहाँ पर आप सुन सकते हो, पावर ऑन करने के बाद एक आवाज़ हुआ है, वो चार्जिंग का ही आवाज़ था। तो कोई भी जो चार्जिंग शो होता है वो शो नहीं हुआ। यहाँ पर देख सकते हो इसका जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो अभी भी ब्लिंक हो रहा है, वो कभी भी चार्जिंग के टाइम ब्लिंक नहीं होता है, ये देख सकते हो यहाँ पर। तो इस फ़ोन के अंदर ऐसी प्रॉब्लम हुआ है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक काम करना होगा। ये जो फ़ोन है इस फ़ोन को आपको 1 आवर या 2 आवर के लिए छोड़ देना है, चार्जिंग को भी खोल लेना है। तो इसको ऐसे ही रख देना है, तो वो ये थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली आपका चालू हो जाएगा। आपको दिखाऊंगी, मेरे केस के अंदर मेरा जो सेट है ये थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व हुआ है, आपको दिखाऊंगी। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसीलिए इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर मेरा जो फ़ोन है ऑटोमेटिक मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, फिर से पावर ऑन भी हो गया ऑटोमेटिक। यहाँ पर मेरा जो फ़ोन है मैंने पावर ऑन नहीं किया और कैमरा भी ऑन नहीं था, तो नहीं तो आपको दिखा देता हूँ। और ये जो फ़ोन है बहुत देर से ऐसे रियलमी देखा के अटक गया, तो ये ऑन नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना टाइम लेता है ऑन होने के लिए, इतना टाइम पावर ऑन होने के लिए नहीं लगता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सेंसर भी ठीक से काम कर रहा है, लाइट ब्लिंक नहीं हो रहा है, ये शायद ये ऑन हो जाएगा। थोड़ा वेट कीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत देर से रियलमी लिखा आके रह गया, इतना टाइम नहीं लगता है कोई भी सेट को ओपन होने में। ऐसा ली आपका जो रियलमी 9 प्रो है ये इतना टाइम नहीं लेता है, फिर भी अभी इस सिचुएशन के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, ये सेट उपायली ऑन हो जाएगा शायद। देख सकते हो अभी जो ये जो फ़ोन है पूरा नॉर्मल कंडीशन पर आ गया, ये मेरा लॉक है, अब देख सकते हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अभी। ये आपका जो अपडेट है इस अपडेट के कारण ही ग्लिच हो गया, कोई या सेट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है बट फिर भी कोई ग्लिच के कारण आपका जो ये फ़ोन है इस फ़ोन के अंदर ये प्रॉब्लम आया है। तो ऐसी प्रॉब्लम आने के बाद आपको डरना नहीं है, थोड़ी देर रुकना है ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, या थोड़ी देर बाद आप और बटन को प्रेस करोगे तो ये ऑन हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हो मेरा एक अपडेट आ गया है इस सेट के अंदर, शायद जब जब अपडेट आता है तब थोड़ी सी फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम हो जाता है, लैग करता है, हैंग करता है, ऐसी प्रॉब्लम दिखाई देता है फ़ोन के अंदर। तो ये जो प्रॉब्लम हुआ है अपडेट के कारण ही हुआ है, तो अपडेट करने के बाद ये ऐसी प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।